मलाड में जीटीओ स्कूल के पास एक लड़की है। नहीं, एक ज्योतिष है बाबा उपनवीर, जो सिर्फ शादी के बारे में ही मार्गदर्शन देते हैं। शुक्र दोष, शनि दोष, लग्न स्थान पर राहु केतु की वक्र दृष्टि, यानी इस जन्म में मैं इस दुनिया से कुंवारा ही जाऊंगा। वैसे तो दो जीवन साथी का योग है। दो? बाबा यहाँ एक शादी नहीं हो रही, आप दो की बात कर रहे हैं? एक सजीव, एक निर्जीव। छाता छाता। बाबा ये छाता तो मेरे पास बरसों से है, आप ये बताइए कि मेरी सजीव शादी कब होगी? उसका योग तो एक साल तक है ही नहीं। देखिए बाबा, मैं शादी के लिए अब और इंतजार नहीं कर सकता। बाबा प्लीज कुछ उपाय कीजिए, नहीं तो ये 34 का है ना, तो 50 के लगेंगे। एक उपाय है। बताइए बाबा, बताइए क्या करना होगा। मैं हिमालय जाने को तैयार हूँ, रेगिस्तान में नंगे पैर चलने को तैयार हूँ, मैं घने जंगल में घोर तपस्या करने को भी तैयार हूँ। बताइए बाबा क्या करना होगा। शांति चलेगी। देखो महाशिवरात्रि आ रही है, तुम शंकर भगवान को प्रसन्न कर दो। लेकिन उनकी भक्ति करके तो लड़कियां प्रसन्न करती है उन्हें पति पाने के लिए। तो तुम उन्हें प्रसन्न करो पत्नी पाने के लिए। शंकर तो भोले हैं, वो तो सबका काम करते हैं। तो क्या करूं, मैं डमरू बजाऊं, तांडव करूं, क्या करूं? उन्हें प्रसन्न करना है, क्रोधित नहीं। जाओ जाकर पूजा करो, 51 लीटर दूध का अभिषेक करो, और हाँ किसी अच्छे पंडित को बुला लेना और पूरे परिवार के साथ पूजा करना। लेकिन मेरा परिवार? अरे पोपट भाई आप चिंता मत कीजिए, गोकुल धाम सोसाइटी का परिवार वो आपका ही तो परिवार है, हम सब आपके साथ आएंगे शिव मंदिर, ठीक है? चिंता मत कीजिए, हो जाएगा। ध्यान रहे, पूजा सुबह 9 से दोपहर 1 के बीच में संपन्न होनी चाहिए। जाओ शिव प्रसन्न हो गए, तुम्हें कन्या मिल जाएगी। थैंक यू बाबा, थैंक यू बाबा। वनवीर की जय। लेकिन भूलना नहीं, पूजा 9 से 1 के बीच, गलती से भी गलती मत करना, वरना जिंदगी भर कुंवारे रह जाओगे। बाबा फाइनली मैं क्या करूं, पूजा करूं कि कैंसिल करूं? अरे पोपट भाई देखिए, हम सुबह 9 से 1 के दौरान पूजा कर लेंगे, और देखिए आपकी पूरी पूजा की तैयारी मैं पंडित जी को कहकर करवा दूंगी। थैंक यू दया भाभी, थैंक यू। बाबा दक्षिणा देता हूँ। लेकिन बाबा दक्षिणा तो हमें आपको देनी चाहिए। शादी के बाद दे देना, मैं कुंवारों से दक्षिणा नहीं लेता। वाह वाह बाबा वाह, क्या उच्च विचार है आपके। तो है बाबा, आप ऐसे हम लोगों को दक्षिणा देते हैं तो आपकी पत्नी कुछ नहीं कहती? मेरी अभी तक शादी नहीं हुई। लेकिन तुम फिक्र मत करना, किसी किसी के भाग्य में शादी का योग नहीं होता, उनकी किस्मत में जीवन भर सुखी रहना लिखा होता है। जाओ तुम्हारी शादी हो जाएगी, शिव तुम पे प्रसन्न होगे। याद रखना 9 से 1 के बीच, देरी मत करना। नहीं 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 बिल्कुल नहीं बाबा। वरना पछताओगे, बाद में मेरे पास नहीं आना, मेरा रिकॉर्ड खराब नहीं होना चाहिए। नहीं नहीं नहीं, नहीं। चलिए चलिए पोपट भाई, शिव पूजा की तैयारी करनी है, और भोलेनाथ प्रसन्न होगा ना तो अगले महीने आपकी शादी की तैयारी अभी तो करनी पड़ेगी। जो किया है वो मैं जीवन भर याद रखूंगा। कितना हुआ भाई? अरे
मैं दे देती हूँ ना। दया भाभी, भाई के होते हुए आप पर्स को हाथ भी नहीं लगाएंगी। आप यहाँ आइए। हाँ भाई, कितना हुआ? ये लो। पोपट भौजी खुद पैसे दे रहे, सुधार ले। दया भाभी, कर रहे हैं भाई? उम्र में मैं आपसे छोटी हूँ, लेकिन आपने काम हमेशा बड़े किए। दया भाभी, वो आपके पैर क्यों छू रहे? कुछ नहीं, बस ऐसे ही। अरे नहीं नहीं माधवी भाभी, आप तो जानती है ना दया भाभी को, वो कभी अपनी अच्छाइयाँ नहीं बताने देंगी। मेरी शादी हो जाए इसलिए कल महाशिवरात्रि के उत्सव पर मंदिर में वो पूजा करवा रही है। आपको भी मेरा परिवार होने के नाते पूजा में आना है, ओके? मुझे क्या है नक्कीस? पोपट भाई, आप ऐसे ही सबको बताएंगे? उससे अच्छा है कि आप सामने पाटे पे लिख दीजिए ना। अरे वाह, ये बहुत बड़ी आइडिया है, अभी जाकर लिख देता हूँ। मैं भी टप्पू के पापा को खुशखबरी दे देती हूँ। पोपट भौजी, ऑल द बेस्ट। थैंक यू माधवी भाभी। ये भिड़े कैसे यहाँ पर चढ़ के ऐसे लिखता है? स्पाइडरमैन लग रहे ना टुबू। हेलो भाई, बाद में करो भाई, अभी बहुत जरूरी काम हो रहा है भाई। हाँ अभी नहीं, बाद में। चल हो गया, हो गया। हमने भी सबको एसएमएस भेज दिया। मेरे मोबाइल का बैलेंस कम कर दिया। पोपट अंकल, सबको पर्सनल इनविटेशन तो देना पड़ेगा, इसीलिए एसएमएस जरूरी था। हाँ, वो भी ठीक है। और आप ऐसे खुशी के मौके पे बैलेंस की बात कर रहे हो, उल्टा आपको तो टप्पू सेना का मुंह मीठा करवाना चाहिए। हाँ। बिल्कुल बिल्कुल, सब अब्दुल की दुकान पे जाओ, जो चाहिए वो ले लो और मेरा नाम बोल देना। पिछली बार भी आपका नाम लेकर गए थे, भगा दिया था उन्होंने। हाँ। ये अब्दुल को देखना पड़ेगा, रुको एक मिनट। ये लो। थैंक यू पोपट अंकल, अब इन लोग को भी दो। हाँ। अरे ये तुम सबके लिए? अरे अरे इतने से क्या होगा, नहीं चाहिए। अरे रखो रखो, और देता हूँ भाई, क्या बात है उसमें। ये लो। सिर्फ 2 रुपए? हाँ जाओ ऐश करो, अब सब बच्चे खुश हैं। चलो चलो चलो। हाँ जी अंकल। क्या बोला? एक कौन? एक क्या बोला? क्या बोला? तो नागजी महाराज जी, हम सब गोकुलधाम वासी पोपट भाई का परिवार बनकर गोकुलधाम सोसाइटी से सिद्धेश्वर शिव मंदिर शिव धुन गाते गाते बड़े धाम धूम से हम लोग शिव यात्रा करते करते आएंगे। देखिए टाइम ऐसा है कि हम लोग सुबह 9 बजे निकलेंगे यहाँ से, तो सिद्धेश्वर शिव मंदिर 10 बजे पहुँच जाएंगे, और देखिए 1 बजे तक पूजा हो जानी चाहिए। हाँ ठीक, थैंक यू, जय भोले। हाँ हेलो गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स, बोले बोले प्रताप भाई। अच्छा आदमी निकल गया पैसा लेके? हाँ मैं दुकान में हूँ। थैंक यू। वाह वाह वाह, पिछले महीने तो अच्छा बिजनेस हुआ है। अरे वाह सेठ जी, भगवान करे ऐसे शुभ शब्द आपके मुंह से हर महीने निकले। थैंक यू। इसी खुशी में सेठ जी ये लीजिए। ये क्या है? चिट्ठी है सेठ जी, मैंने बहुत दिनों से संभाल के रखी थी। मैंने सोचा जब सेठ जी बोलेंगे कि बिजनेस रनिंग गुड,
तब मैं आपके हाथ में दूंगा। अच्छा अच्छा, इंग्लिश में है? हाँ, क्या लिखा क्या है? सेठ जी, अभी तो गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स बिजनेस रनिंग गुड, प्रॉफिट गुड, इनकम गुड, एवरीथिंग इज गुड, बट ओनली वन थिंग इज नॉट गुड सेठ जी, एंड दैट इज नटुका का सैलरी, मेरी पगार। आप तो जानते हैं सेठ जी की महंगाई कितनी है, और इस महंगाई के जमाने में शॉर्ट सैलरी में हाउ टू मेंटेन माय लाइफ, मैं अपनी लाइफ को कैसे मैनेज कर सकता हूँ सेठ जी? सो आई रिक्वेस्ट यू सेठ जी कि प्लीज ग्रो माय सैलरी, योर सिंसियरली फेथफुली ओनली एंड ओनली वन गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स मैनेजर नटवरलाल प्रभाशंकर उंडाईवाला उर्फ नटू काका। नहीं समझ में आ रहा है? कोई बात नहीं, मैं बोलता हूं। डियर माननीय नट्टू काका, आई हैप्पी डिमांड लेटर पगार बढ़ेंगे वाचिंग हैप्पी यू बोलेंगे बिजनेस गुड तो पगार बढ़ाओ इंग, लेकिन तीन महीने पहले जब बिजनेस नो गुड तो तभी तुम क्यों नहीं बोलेंगे माय पगार कट? इन बिजनेस कभी प्रॉफिट कभी लॉस, मुझे भी महंगाई नड़ेंगे। तो अभी जब भी बिजनेस एकदम गुड तभी पगार बढ़ेंगे, तब तक चुपचाप काम करेंगे, कोने में बैठेंगे। हेलो टप्पू के पापा, बताइए मैं कौन सी खुशखबरी सुनाने वाली हूँ? अरे भाई, तुझे तो अखबार में वो अहमदाबाद के बारे में कुछ भी खबर पढ़ के खुशखबरी लगती है, दाल अच्छी बनती है तो भी खुशखबरी लगती है। अभी सवाल मत पूछ, बोल जल्दी। बताती हूँ, बताती हूँ। मैं और पोपट भाई ज्योतिषी को मिलने गया था ना, तो उन्होंने हमें बताया अरे वाह, मतलब भोलेनाथ महादेव जी के मंदिर तक अपने गोकुलधाम से शिव यात्रा निकलेगी? हाँ। अरे ये तो बहुत बढ़िया है, मजे आएगा एकदम। हाँ, बहुत मजे आएगा। और बोल, और कुछ? बस इतना ही बताने के लिए फोन किया। ओके ओके, थैंक यू थैंक यू। वाह सिद्ध जी, सिद्ध जी, कल महाशिवरात्रि के दिन शिव यात्रा में शिव मंदिर तक मैं भी आऊंगा। क्यों क्यों क्या सेठ जी? आपको पता नहीं, हमारे उंडई गांव के बाजू में वडनगर गांव है, उसके हाटकेश्वर महादेव मंदिर में शिवरात्रि के दिन में शिव तांडव करता था। बस क्या कर रहे हैं आप? शिव तांडव।
इसके पहले कि मैं अपनी तीसरी आंख खोलूं, चुपचाप अपनी जगह पर बैठ जाइए। कोई जरूरत नहीं टांडव करने की। दुकान संभालिए। ऐसे हो लड्डू? अरे बापू जी, जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। अरे बापू जी, आप यहाँ दुकान में? या? मैं नहीं आ सकता? आपकी दुकान में जब मर्जी आ सकते हैं। अरे भाई, मैं वो दाम जी के घर गया था ना, तो उसके बाद उसे ये बाजू की गली में कुछ काम था, तो मैंने बोला चल मैं भी तेरे साथ चलता हूँ, वहां से मैं दुकान चला जाऊंगा। मैंने अच्छा किया। बैठिए बैठिए बैठिए, यहाँ बैठिए। अरे बैठने हवे बापू जी, कुछ चाय उकाड़ा मंगाओ। नहीं नहीं, रहने दे, अभी साथ घर जाएंगे और खाना खाएंगे। एक 10 मिनट एक आदमी आ रहा है पेमेंट लेके, वो आ जाए फिर निकलते। कैसे हो जेठा भाई? आ गया। हेलो। नमस्ते नट्टू काका। नमस्ते। नमस्ते चाचा जी। नमस्ते नमस्ते। कैसे हो जेठा भाई? ओह, दो दो बार कैसे हो, कैसे हो पूछ रहे हो? क्या बता, बहुत खुश लग रहे हो? आज दिन ही ऐसा है। क्यों, आज ऐसा क्या है खास? आज प्रताप सेठ ने मेरी पगार बढ़ा दी, पूरे 3,000 रुपए। हाँ लीजिए सेठ जी। एक, दो, तीन, चार और पांच, पूरे 5 लाख है सेठ जी, गिन लीजिए। अरे नहीं भाई, मुझे विश्वास है प्रताप भाई पे और तुम पे भी। थैंक यू सेठ जी। तो मैं चलूं? ओके ओके। नटू काका, सुरक्षा थैली देना था। जी सेठ जी, लीजिए सेठ जी। सुरक्षा थैली? हाँ बापू जी, थैली को हमने नाम दिया है सुरक्षा थैली। क्या इस थैली में अब कितने भी कैश डाल के लेके जाओ, किसी को कोई शक नहीं जाता। लेकिन इतना सारा रोकड़ा, कहीं काला धन तो नहीं है ना? नहीं नहीं बापू जी, बिल का पेमेंट है, मुझे भी सामने पेमेंट चुकाना है तो कल मैं दे दूंगा। तो ठीक है। बाकी जेठिया, जीवन में 3 चीजें तो होनी चाहिए, ईमानदारी की कमाई, दूसरों की भलाई और बच्चों की पढ़ाई। वाह बापू जी वाह वाह वाह। चले चलो नटू काका। अच्छा सेठ जी, कल की शिव यात्रा अकेले अकेले एंजॉय करना। शिव यात्रा? आइए रास्ते में बताता हूँ बापू जी। आइए। नटवलाल प्रभा शंकर, बैड लक वाला। कैसे हो जेठा भाई? मजा माँ? अरे आशीष भाई, एकदम मजा माँ भाई। मजा माँ? देखा बापूजी, इसका जरा भी शक गया कि थैली में 5 लाख रुपया है। थैली खाली है, एकदम एकदम खाली है। चल चल अबे। चलो रिक्शा आगे से ले लेते। भाइयों, कल महाशिवरात्रि के शुभ पर्व पर हमें ऐसी तैयारी के साथ मंदिर तक शिव यात्रा करके जाना है, ताकि भोलेनाथ मुझ पर प्रसन्न हो ही जाए। ओरे बाबा। भाई भोलेनाथ को तो मैं भी प्रसन्न करना चाहता हूँ। ओए डॉक्टर आदि, और तुमको भी शादी करवानी है क्या? अरे नहीं नहीं जोड़ी, मरवाएगा क्या? मैं तो भोलेनाथ की इसलिए प्रार्थना करना चाहता हूँ ताकि मेरा परिवार, यानी हमारी गोकुल धाम का परिवार, हमेशा खुश रहे और मुझे भूख लगने पे नाश्ता मिलता रहे। हाँ, मतलब इन शॉर्ट 24 घंटे आपको नाश्ता मिलता रहे। सही बात है। अरे भाई भोजन नहीं, भक्ति की बात करो, कल की तैयारी की बात करो। भाई पोपटलाल, मैंने फूल और हार के लिए बोल दिया। ओ हाँ यारो, ओ यात्रा की गड्डी का भी मैंने फर्स्ट क्लास इंतजाम कर दिया। वेरी गुड सोनी, वेरी गुड। दोस्तों, किसी सुपर फ्लॉप हीरो को सुपर हिट फिल्म मिल जाए, या आप और मेरे जैसे आम आदमी को कोई जैकपॉट लग जाए, या क्लास में सबसे ज्यादा पनिशमेंट पाने वाला बच्चा क्लास में पहले नंबर पे आ जाए, तो कितनी खुशी होगी। शायद उससे कहीं ज्यादा खुशी हमारे सबसे सीनियर कुंवारे नंबर 1 इस वक्त पोपट लाल को हो रही है। भाई पोपट लाल बड़ी खुशी से सराबोर है, शिव जी को प्रसन्न करने के लिए पूजा का आयोजन किया गया है। अब पूजा के आयोजन मात्र से इतनी प्रसन्नता है, तो सोचिए कि जब पूजा हो जाएगी तब पोपट लाल को कितनी खुशी होगी।
जैसे स्विस बैंक में कितना काला धन पड़ा है ना, आप कल्पना कर सकते हैं ना मैं, ठीक वैसे ही पोपटलाल की खुशी कितनी है ना आप कल्पना कर सकते हैं ना मैं, लेकिन आप जानते हैं ना ये गोकुलधाम सोसाइटी है, यहाँ नाव किनारे पे आते आते भी डूब जाती है और अभी यहाँ पोपटलाल का किनारा तो बड़ा दूर है, बीच में कई तूफान बाकी है। भाई पोपटलाल ने बोर्ड में चाहे कुछ लिख दिया हो लेकिन उसकी कुंडली में क्या लिखा है हम नहीं जानते, और अगर ये जानना है तो हमारे साथ देखिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा और हंसते रहिए और सोचिए कि क्या होगा। अगर आपको सबसे पहले तारक मेहता का उल्टा चश्मा का अपडेट चाहिए, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना।